हेलो एवरीवन, इस वक्त मैं हूँ गुजरात के गांधीनगर से करीब 195 किलोमीटर दूर भावनगर शहर में। और यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। आप देख सकते हो जैसा कि रोड पे पूरा सा पानी भर चुका है। अभी भी कंटिन्यूसली ऐसा दिखा रहे हैं न्यूज़ में कि आगे आने वाले 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी। तो बहुत ही ख़तरनाक सा वेदर चल रहा है यहाँ पे तो नहीं, बट अहमदाबाद और 2-3 सिटी और हैं गुजरात की जहाँ पे काफ़ी डिज़ास्टर सा ऐसा देखने को मिला है। अहमदाबाद के अंदर तो काफ़ी कुछ ऐसा अभी न्यूज़ में आया कि घर वर डूब चुके हैं कई जगह पे रोड धस गए हैं, जहाँ पे सीधे कार वगैरह पलट गई हैं। तो ऐसा सीन चल रहा है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से लगातार, बट उतना ज़्यादा मतलब ख़तरनाक वाला सीन नहीं इधर। ओके है। तो अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल है जिसका नाम है पानी का टंकी, पानी टाकी सर्कल करके बोलते हैं इधर गुजराती में, तो उधर चल रहे हैं। मैंने अभी तक इंडिकेटर ऑन कर रखा था। अभी अपने पास एक पल्सर 150, यहाँ की सड़कों पे ये बाइक चला के काफ़ी सही सा फील हो रहा है। इतने टाइम बाद एक स्पोर्ट्स बाइक मतलब राइड कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये सब जो रास्ते खड्डे वड्डे आए ना, ये बारिश की वजह से हैं, सारा कुछ बारिश में तबाह हो जाता है। सामने पानी का टंकी जो दिख रहा है आपका, यही है सर्कल, पानी का टंकी का सर्कल। और इधर का एरिया मैं आप लोगों को घुमा देता हूँ। इधर जस्ट सामने है ये विक्टोरिया पार्क करके, काफ़ी फेमस पार्क है। तो बारिश में मानसून के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रीनरी हो जाता है इधर, और पानी वानी भी भर जाता है। ये रोड थोड़ा सा अच्छा है, मतलब एरिया पॉश एरिया, यहाँ पे काफ़ी सारे फूड वेंडर्स लगाते हैं स्ट्रीट साइड। तो यहाँ पे भी पिछली बार मैंने पिज़्ज़ा, स्ट्रीट पिज़्ज़ा ट्राई किया था, जो कि मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था क्योंकि उसका बेस बहुत ही हार्ड था, क्रंची हो गया था पूरा वो। इधर आगे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आगे जाके मंदिर है। ऐसी स्पोर्ट्स बाइक हाथ में भी ना थोड़ा चलाने का मज़ा अलग होता है, लेकिन बारिश में बच के ही चलना होता है। अभी देखो बारिश फिर से शुरू हो गई है, बूंदें पड़ना शुरू हो गई हैं। ये देखो इधर एक्चुअली आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इधर कोई भी इंसान हेलमेट नहीं यूज़ करता, ऐसा मैंडेटरी नहीं है इस सिटी के अंदर, तो उस वजह से काफ़ी सारे लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अक्षरवाड़ी करके, जैसा अक्षरधाम है दिल्ली में, तो उससे ही मिलता जुलता है, उसका छोटा वर्जन कह लो आप, अक्षरवाड़ी मंदिर। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर व्लॉग बनाया है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पिछले साल मैं इधर भावनगर आया था तो काफ़ी सारे ब्लॉग बनाया था, वो जाके देख सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। और ये एरिया थोड़ा सा पॉश एरिया है यहाँ का। इधर आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स लगाए हैं, तो शाम में भीड़ आती है इधर पूरी की पूरी खाने के लिए पब्लिक। यहाँ पे आप पीटर इंग्लैंड एंड ऑल जो भी शोरूम है, यहाँ का एक शोरूम जो कि बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत ही बजट फ्रेंडली और अच्छी क्वालिटी के कपड़े प्रोवाइड करता है, वो इधर है जूडियो। और ये टाटा का इन हाउस ब्रांड है जूडियो। तो अभी तो फ़िलहाल अपने अलग अलग स्टेट में इसने ब्रांचेस डालना शुरू कर दिया, लखनऊ में भी आ गया, लेकिन पिछले साल आया था तो अपने लखनऊ में एक भी ब्रांच नहीं थी जूडियो की। तब यहाँ से मैं कुछ कपड़े परचेज करके ले गया था, और अंडर 1000 आपको सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी। ये आपका आई वेनस करके एप्पल का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इधर, सर्विस सेंटर एंड ऑल सारी चीज़ें करने का, तो यहाँ से करा सकते हो। यहाँ पे बैंक है, ऐसा पूरा एरिया आपको एक बार टूर करा देता हूँ मैं। बहुत सारी जगह हैं इधर, लेकिन इससे पहले कि बारिश आ जाए मुझे वापस निकलना पड़ेगा। हाय, कोई खुशबू आई बड़ी प्यारी सी। ये सारे एरियाज हैं इधर, आगे जाके ऐसा ही है पूरा मतलब एरिया, जहाँ पे बिग बाज़ार एंड ऑल सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो ओहो, यहाँ पे रेड सिग्नल है, यहाँ पे पानी कम भरा हुआ है, लेकिन बारिश शुरू हो गई है इधर भी, तो अपने को यहीं से टर्न लेना है। आगे जाके कोई फ़ायदा है नहीं, जितना दूर जाएंगे घर से, तो आप इधर से कट लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे है रेड टेप का शोरूम, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अभी डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं, रेगुलर 70% करके दिखाते रहते हैं। भाई इन सब से मुझे बहुत डर लगता है।
थोड़ा दूर ही रहना आप लोग भाई। इस रोड पे आपको ये स्मार्ट सुपर स्टोर मिल जाएगा जो कि रिलायंस का है। यहाँ पे आप ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं बड़े ही आराम से, और काफ़ी अच्छा भी है। वैसे इधर डी मार्ट नहीं है भावनगर के अंदर, जो कि आई थिंक बड़ी सिटीज़ में बहुत सारी है, जैसे बॉम्बे वगैरह में, तो बहुत ही बेस्ट लगता है मेरे को डी मार्ट अभी तक का। जितने भी ये अपना मार्ट वगैरह मैं विज़िट किया हूँ, उनमें से डी मार्ट मेरे को बहुत ही सही चीज़ लगी है यार। मतलब वहाँ पर बहुत ही अच्छे बजट में चीज़ें मिल जाती हैं। भाई ज़्यादा भगाने का नहीं यहाँ पे, क्योंकि कीचड़ है, बारिश है, स्किट कर सकते हैं और बेवजह अपनी टांग या हाथ छिल के बैठ सकते हैं आराम से। मेरे को वापस भी निकलना है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं हाई स्पीड नहीं चला रहा। इधर जिम वगैरह है कुछ, काफ़ी सारे लोग जिम वगैरह भी करने आते हैं इधर, ऐसा है माहौल। वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है, ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी, लेकिन दिन भर बारिश चलती है वो थोड़ा सा अनाइंग होता है, क्योंकि जब भी निकलो तो कुछ पता नहीं होता कब बारिश शुरू हो जाए, तो उस चक्कर में सारा कुछ पहन के निकलो, रेनकोट वगैरह या लेके निकलो तो ही बेटर रहता है। यहाँ पे एक मॉल भी है जिसका नाम है हिमालया, वो भी आपको विजिट कराऊंगा किसी दिन। अभी फिलहाल वापस चलते हैं घर, क्योंकि बारिश धीरे धीरे तेज़ हो रही है, तो निकल चलना ही बेहतर होगा वरना मैं भीग जाऊंगा। इश्क का तेरा सजदा कर भाई अपना देखो ऐसा थंब अप कर रहा है व्लॉगिंग देख के। एक्चुअली मैंने गोप्रो नहीं लगाया, आगे आईफोन लगा रखा है। अभी मैं वाइड एंगल में नहीं शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि लाइट काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, और लो लाइट में वाइड एंगल कैमरा जो है वो कुछ खास काम नहीं करता है, तो ऐसा है कुछ सीन। यहाँ पे ये रही वो सारी स्ट्रीट फूड की दुकानें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ की भी डिशेस बनती हैं इधर, मुझे आइडिया नहीं अभी क्या है। यहाँ पे जो केले का चिप्स तुरंत तुरंत बना के देते हैं वेफर्स, वो बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को खाने में। यहाँ के लोगों के लिए बारिश वगैरह होना यूजुअल होगा, बट हम लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा अलग सा हो जाता है, रेगुलर इतने दिन तक 8-10 दिन तक बारिश होती रहे और बाहर निकलने का टाइम ना मिले। समंदर है साइड में, तो उस वजह से बारिश का जो है माहौल जैसा बॉम्बे में है कभी भी होती है वैसा ही होता रहता है इधर भी। बाकी जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी सारा पानी भरा रहता है हमेशा, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा जब भी निकलता यहाँ से। हाय अभी मेरा जो वाइज़र है हेलमेट का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और मैं आवाज़ प्रॉपर आने की वजह से पूरा वाइज़र बंद करके शूट कर रहा हूँ। एक बार मैं इसको खोल के ट्राई करता हूँ। अभी आई थिंक आवाज़ जा रही होगी, लेकिन साथ साथ हवा भी काफ़ी ज़्यादा जा रही होगी मेरे माइक में, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है इसकी। आवाज़ के साथ काफ़ी हवा भी जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर वॉइस नहीं आती है। यहाँ पे पानी भरे होने की वजह से आप देख सकते हो पूरे पूरे खड्डे खड्डे हो रखे हैं, कई सारे गड्ढे इतने यहाँ पे ख़तरनाक भी हैं जिसमें लोग गिर भी जाते हैं। तो अभी जो कि ये पिछले विद इन 5-7 डेज में हुए हैं। ओ माय गॉड, आ हा हा, ये देखो यहाँ से पूरा पूरा नदी बह रही है, और यहाँ से भी नदी बह रही है। मेरे को कुछ यहाँ शॉप से सामान लेना है, इस वजह से अपन इधर चल रहे हैं। भैया बैटर होगा क्या? डोसा बनाने वाला उत्पम किधर मिलेगा? शीरा चाहिए ना, डोसा शीरा, हाँ शीरा वही वही। कितना किलो? किलो कितने का है? 30 रुपये का किलो। 30? 1.5 kg दे दो, 1.5। हाँ पैकेट भी दे देना आधा लीटर। मेरे को ये बैटर लेना था, ये रही अपनी बाइक, और इसको रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक थैला डाल लिया था आते टाइम। वैसे गिरना तो नहीं चाहिए, लेकिन सेफ्टी के लिए, अभी बारिश में गिर गया तो मैं उठा भी नहीं पाऊँगा और बिखर जाएगा पूरा का पूरा, तो ये ज़्यादा बैटर। तो भाई ये नदी जो है सामने,
ये पार करना है, और जो बैटर होता है पेस्ट अपना, इसको उत्तपम वगैरह बनाने का, डोसा वगैरह बनाने का, इसको यहाँ पे सीरा बोलते हैं। और जो हलवा हम लोग बनाते हैं सूजी का, उसको भी इधर सीरा बोलते हैं। तो हम पहुँच गए अभी अपनी बिल्डिंग में, और इधर ही बाइक पार्क कर देते हैं। बारिश हुई है तो थोड़ा स्लिप भी कर जाती कभी कभी गाड़ियाँ इधर। सो ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो डू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हो तो यहाँ पर जरूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, लव यू इंडिया।